Namaskar parents and kids, how are you all? Hope you are well and good at your home. Now let's pray. Join your hands, close your eyes. Pray with me. Om Purvasvaha Tat Savitulvarenyam Vargo Devasya Dhimahi Yo Yo Nah Prachodayat. Om Purvasvaha Tat Savitulvarenyam भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांति। सो किड्स, माय नेम इज श्रुति पटेल एंड आई एम फ्रॉम न्यूएरा ग्लोबल किड्स। I'm your chairman. So our today's topic is transportation, right? So let us start with our CW. Look at here. Our CW is page number 25 and 26. Worksheet and homework is page number 16. Taxi, right? These all are what? Air vehicle. There are three types of vehicles. Road vehicles, water vehicles, and air vehicles, right? These color the air transport. Match kya karna hai? Color the air transport. Ye jo transport hai, wo air mein, yani sky mein chalte hai, right? This is helicopter. Helicopter. Helicopter ka first letter kaun sa hai? H. And this is air balloon. It is also fly in the sky. Its first letter is A. A for air balloon. Now this is aeroplane. A for aeroplane. आपने देखा है बच्चों aeroplane उड़ते हुए? Sorry, today's CW is page number 29 in worksheet and homework is page number 30 and 32 in worksheet. It is air transport. So let us start with page number 29. We have to write here CW and mention today's date. Shyam wanted to visit his uncle in London. His father booked an air ticket. His father later also introduced him to other air transport. Let us color the pictures. यहाँ पर श्याम wanted to visit his uncle house in London. उसको लंदन जाना है, दूर जाना है, right? दूसरे कंट्री में. तो वो क्या यूज़ करेंगे, हम क्या यूज़ करेंगे? एयर ट्रांसपोर्ट. वो बहुत दूर डिस्टेंस होता है तो हम ये यूज़ करते हैं, right? So उसके पापा ने उसको एयर टिकट ला के दी. एंड नाउ वी इंट्रोड्यूस ऑल दिस थिंग्स, राइट? दिस इज हेलीकॉप्टर. And this is air balloon. And this is aeroplane. Let us color it. So let us start color. Take one crayon color and start with helicopter. H for helicopter. Helicopter is the air transport. It flies in the sky. कहाँ पर उड़ता है ये? Sky में. It moves in the air. ये air transport बोलते हैं इसको हम. There are three types of transport, right? One is road transport, then second is water transport and air transport. Now this one is air balloon, hot air balloon. किसी ने देखा है? हम जब घूमने जाते हैं तब कहीं पर
ये सी या कहीं चाहते तो हेट हॉट एयर बलून होता है ना। उसकी राइड करने में मजा आता है। ये भी एयर ट्रांसपोर्ट है, राइट? नाउ दिस वन इज एरोप्लेन। उसका फर्स्ट लेटर ए होता है, ए फॉर एरोप्लेन। ये बहुत जल्दी यानी कि एकदम फास्ट ट्रांसपोर्ट है, जहाँ पर हमें दूसरी जगह पे, दूसरे नेशन में, दूसरे कंट्री में जाना हो तो हम एयर ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, राइट? एंड देन शॉर्ट डिस्टेंस होता है तो हम रोड ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, लाइक बस, कार। और ये लॉन्ग डिस्टेंस में काम आते हैं, एयर ट्रांसपोर्ट, हेलीकॉप्टर, वो लॉन्ग डिस्टेंस में हमें फटाफट जल्दी से पहुंचाते हैं, राइट? इज वेरी फास्ट। नाउ अवर कलरिंग इज डन, लेट अस मूव ऑन अवर अनदर सी डब्ल्यू। नाउ दिस इज पेज नंबर 30 इज अवर होमवर्क, नॉट सी डब्ल्यू, राइट? सो नाउ वी हैव टू राइट ईयर एच डब्ल्यू एंड मेंशन टुडेज डेट। ऑल द व्हीकल्स आर चंबल हियर। यहाँ पर क्या है, सारे व्हीकल्स साथ में है, जंबल्ड है। सो लेट अस फाइंड द व्हीकल्स एंड एयर व्हीकल्स हमें करना है यहाँ पर, उसको देख के सर्कल दोस वी कैन सी इन द एयर। कहाँ पर हमें करना है सर्कल, एयर व्हीकल में, जहाँ हम एयर में देखते हैं कोई भी व्हीकल्स, उसमें हमें सर्कल करना है, दूसरे में नहीं, राइट? सो हियर इज अ हेलीकॉप्टर। सो हेलीकॉप्टर मूव्स इन अ एयर, येस। सो वी हैव टू सर्कल द हेलीकॉप्टर एंड हियर इज एयर बलून। एयर बलून ऑल्सो मूव्स इन द एयर, सो वी हैव टू सर्कल द एयर बलून। नाउ स्कूटर, स्कूटर मूव्स ऑन द रोड, सो वी डोंट हैव टू सर्कल इट। दिस वन इज याच, याच मूव्स ऑन द वॉटर, सो वी डोंट हैव टू सर्कल इट, राइट? सबमरीन ऑल्सो इज अ वॉटर ट्रांसपोर्ट, सो वी डोंट हैव टू सर्कल। एंड दिस इज एरोप्लेन, एरोप्लेन मूव्स इन द एयर, सो वी हैव टू मूव्स ऑन द एयर, सो वी हैव टू सर्कल एरोप्लेन। दिस इज बस, बस मूव्स ऑन द रोड, सो वी डोंट हैव टू सर्कल इट। Now, let us draw the air transport. क्या करना है हमें? Air transport में यहाँ draw करना है, right? So, let us draw one air balloon. Start from here. This is air balloon. Now, kids, this is page number 32 in worksheet. We have to write first of all here HW and mention today's day. Here are some modes of transport. Right, R for road transport, A for air transport, and W for water transport. Here are jumbled up, and we have to write here in this box. Air में जो चलते हैं उसमें A लिखना है, and then W किसमें लिखना है? जो water transport है वो उसमें हम नीचे W लिखेंगे, and then road के transport है उसमें हम R लिखेंगे, right?
So let us start with this. This is ship. Ship is a big water transport. It is water transport. So what we have to write here? W. W for water transport. And this is yacht. Yacht is also moves on the water. So we have to write here W. W for water transport. And this one is air transport. Aeroplane is moves in the air. So we have to write here A for air transport. We have to write here A for air transport. Now this is bicycle. Bicycle moves on the road. So we have to write here R for road transport. This is car. Car is also moves on the road. So क्या हम लिखेंगे इस बॉक्स में? R for road transport. And this is air balloon. Air balloon कहाँ पर उड़ता है? In the air. Yes. So we write here A for air. And this is bus. Bus कहाँ पर चलती है? On the road. So we have to write R for road transport. And this one is ship. Ship moves on the in the water surface. So we have to write here W for water. And this is yacht. Again we have to write here W for water transport. So kids, now we are going to take one more activity about air transport. Right, we need these types of colorful papers and scissors, pencil and fevicol. So now let us draw this balloon, air balloon, hai na? So kids, we have to take these three types of paper, three colors paper, and fold like that, and we have to draw this shape of air balloon. Half air balloon हमें draw करना है ताकि दोनों साइड से सेम shape मिले, right? ये oval shape का हम बनाएंगे and नीचे से थोड़ा rectangle and नीचे slipping line, है ना? Now cut it. Cut करेंगे. So we get the types of balloons, right? ऐसा शेप हमें मिलेगा. दोनों साइड से फोल्ड किया था ना, अभी पूरा निकाले तो देखो ऐसे शेप मिलेगा, है ना? फिर बाद में हम इसको स्टिक करेंगे दूसरे के साथ. नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ क्लाउड्स. हम क्या करेंगे? क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे. ये एयर ट्रांसपोर्ट है तो कहाँ पर होता है? इन द स्काई. सो क्लाउड्स होते हैं ना, तो हम यहाँ पर बिग एंड स्मॉल क्लाउड्स ड्रॉ करेंगे एंड देन कट करेंगे एंड स्टिक करेंगे, राइट? वी नीड थ्री स्मॉल एंड बिग क्लाउड्स. नाउ वी कट दिस क्लाउड्स लाइक दैट, राइट? एंड मैंने ये पेपर प्लेट में से ऐसे कट किया है. इसका हम बनाएंगे नीचे का बास्केट, बलून का होता है ना वो वाला. एंड टू स्ट्रिप्स टू स्टिक दिस विद दिस बास्केट, राइट? नाउ हम स्टिक करना स्टार्ट करेंगे, है ना? पहले एयर बलून के सारे बलून्स एक साथ स्टिक कर लेंगे ताकि उसका शेप अच्छे से आ जाए. ये हम एक साइड ग्लू लगाएंगे एक कलर में. ये पिंक कलर में मैंने जो फोल्ड किया है वो फोल्ड किया हुआ साइड, वन साइड में हम ये ग्लू लगाएंगे. ये फोल्ड है तो उसकी एक साइड ही लगाना है हमें. क्यों लगाना है? बिकॉज यहाँ पर दूसरे कलर का
ये जो है वहाँ एक ही साइड हम स्टिक करेंगे ताकि हमें कलरफुल बलून्स दिखे। एंड देन यहाँ पर दूसरे कलर में, ये ग्रीन कलर में भी हम ब्लू लगाएंगे एक ही साइड। ठीक, हियर येलो बलून और वन साइड, यहाँ पर ग्रीन में लगाया ना तो हम यहाँ पर एक साइड का लगा देंगे, राइट, लाइक दैट। एंड देन फोल्ड करेंगे फिर से, एंड यहाँ जो येलो साइड दूसरी बाकी है वहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे। एंड स्टिक हियर पिंक बलून। नाउ ये हमारा बन गया बलून। एंड नाउ दोनों साइड जो एक साथ है पिंक, वहां पर हम ग्लू लगाएंगे। नाउ स्टिक हियर ये, देखो ऐसे कलरफुल दिखेगा, है ना, ये नीचे लगाना है हमें। एंड देन स्टिक विथ दिस बलून। ये बन गई रोप, रोप उसके साथ स्टिक होता है ना, ये बास्केट। चलो अब हम बास्केट लगाएंगे। नाउ देखो दिस इज आवर एयर बलून। नाउ वी स्टिक ऑल दिस क्लाउड्स। हम क्या स्टिक करेंगे? क्लाउड स्टिक करेंगे। दिस इज आवर क्लाउड्स। यस, सो एयर बलून्स मूव्स इन द एयर। सो किड्स, आप भी एयर बलून बनाना कलरफुल, है ना? यस किड्स, पेज नंबर 29 इन वर्कशीट अवर CW एंड होमवर्क इज पेज नंबर 30 एंड 32 इन वर्कशीट। थैंक यू।